जय हिंद किसान दोस्तों, किसान वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे आपको मक्का मंडी ताज़ा भाव सबसे पहले प्राप्त होता है। किसान भाइयों, आज हम जाने वाले हैं देश की बड़ी मंडियों के अंदर, मक्का में कहाँ तेजी, कहाँ मंडी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, बताना चाहूँगा बिहार के अंदर अभी जो मक्का है लगभग आपका जो कट गया है और अभी फसल निकाल ली गई है, और अब किसान भाइयों को इंतज़ार है कि उनको अच्छा खासा रेट मिले। तो किसान भाइयों, अब बिहार के मक्का का भाव भी जानेंगे हम, गुजरात के मक्का का भाव भी जानेंगे, पंजाब का भी जानेंगे, और आपका और कई राज्य का भी जानने वाले हैं। तो हमारे साथ में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप किस बड़ी मंडी का भाव मक्का का जानना चाहते हो, कमेंट में सुनिए पूछ सकते हो। किसान भाई, आप अगर आपको पता है आपका क्या लोकल वहाँ रेट चल रहा है मक्का का, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में और अपने ज़िले के नाम के साथ में ज़रूर बताएगा, जिससे हमारे को भाव में भी सुविधा रहेगी और आपका जो ऑनलाइन भाव अपडेट होता है सरकार की साइट पर, वो भी हमारे को मिलान कर सके और लोकल भाव से कंपेयर कर सके। तो किसान भाइयों, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर पहली बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, अगर कोई भी बात छूट जाता है तो डिस्क्रिप्शन नीचे जाकर के लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप भाव भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट भाव मिलता रहेगा। तो देख लेते हैं बिना कहा, सबसे पहले बिहार की मंडियों को चलते हैं। बिहार की गुलाबबाग मंडी की हम बात करें तो बिहार की गुलाबबाग मंडी का भाव देखने मिला थोड़ा डाउन हुआ है, 1280 रुपये से लेकर के आपका 1380 रुपये के बीच में अभी भाव देखने मिला है। वहीं चलते हैं पूर्णिया, पूर्णिया के अंदर 1410 से लेकर के आपका 1500 रुपये प्रति क्विंटल बीच में देखने मिला है। वहीं कटिहार के अंदर आपका भाव देखा जाए तो 1360 से 1400, भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के अंदर आपका 1350 रुपये, रायगंज की बात करें तो 1420 रुपये, और सिलीगुड़ी की बात करें तो 1520 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आसाम की लखीमपुर मंडी की बात करें तो 1520 रुपये प्रति क्विंटल। आंध्र प्रदेश की नंदकुट्रो मंडी की बात करें तो 1860 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की आपकी महुआ मंडी की बात करें तो 1810 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं जम्बूसर मंडी की बात करें तो आपका 1750 रुपये, धरी मंडी की बात करें तो 1300 रुपये, वहीं राजकोट मंडी के अंदर 1600 रुपये, वहीं दहोद मंडी की बात करें तो आपका 1850 रुपये, सोनगढ़ मंडी की बात करें तो आपका 1400 रुपये, हिम्मतनगर मंडी के अंदर आपका 1610 रुपये, वहीं मध्य प्रदेश की नीमच मंडी की बात करें तो आपका 1350 रुपये, बैतूल मंडी के अंदर आपका 1400, छिंदवाड़ा मंडी के अंदर आपका 1390 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं देवास मंडी के अंदर आपका 1380 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं धर मंडी की बात करें तो 1410 रुपये, गुना के अंदर आपका 1300 रुपये, हरदा के अंदर आपका 1300 रुपये, जबलपुर की बात करें तो आपका 1280 रुपये, वहीं खंडवा मंडी के अंदर आपका 1410 रुपये, राजगढ़ के अंदर 1320 रुपये, वहीं रतलाम के अंदर आपका 1401 रुपये, सिवनी मंडी के अंदर आपका 1230 रुपये, उज्जैन के अंदर आपका 1250 रुपये, अलोट मंडी के अंदर आपका 1300 रुपये, वहीं अगर मंडी की बात करें तो 1320 रुपये, इछावर मंडी के अंदर 1340 रुपये, महाराष्ट्र की बड़ी मंडियों की बात करें अकोला में तो आपका 1000 रुपये, औरंगाबाद में आपका 1310 रुपये, धुले के अंदर 1350 रुपये, पुणे के अंदर आपका 2140 रुपये, नंदूरा मंडी के अंदर 1360 रुपये, वहीं राजस्थान की बूंदी मंडी की बात करें तो 1400 रुपये, निम्बाहेड़ा के अंदर 1420 रुपये, बड़ी सादरी में 1535 रुपये, और बेगू मंडी के अंदर 1700 रुपये, देवली की बात करें 1385 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो 1320 रुपये, बहरीच मंडी की बात करें तो हम आपका 1700 रुपये प्रति क्विंटल, इटा मंडी के अंदर आपका 1320 रुपये, फरुखाबाद के अंदर 1400 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर के अंदर 1600 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये था देश की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव। अब चलते हैं आपका पश्चिम बंगाल की बड़ी मंडियों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर एवरेज भाव देखा जाए तो आपका 1300 से लेकर के 1400 के बीच में भी भाव देखने को मिल रहा। तो ये था देश की बड़ी मंडियों का ताज़ा भाव। बाकी चैनल